हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्रिजीटा और स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल ग्रैंड टूर के लास्ट सागा द शैडो ड्रैगन सागा में, जिसमें कि हम देखेंगे गोकू सुपर सैयन 4 की एक सीक्रेट फाइटिंग टेक्निक और उसी के साथ बहुत सारे शेनरॉन्स, और उसी के साथ हम देखेंगे लास्ट में ओमेगा शेनरॉन वर्सेस सुपर सैयन 4 गोजीटा, जो कि सुपर सैयन 4 वेजिटा और गोकू का फ्यूजन है, जो कि होने वाला है बहुत ज्यादा रोमांचक, क्योंकि ये फाइट बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के एंड तक और उसी के साथ मेरे चैनल पर भी, जिससे कि आपको मिलते रहे एनिमे से जुड़ी चीजें। पिछली सागा में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्लैक स्मोक शेनरॉन आता है जब ड्रैगन बॉल चटक जाती हैं, लेकिन वहीं पे हो जाता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्योंकि आना चाहिए था जो शेनरॉन वो नहीं आता और वहाँ पर आता है ब्लू कलर का एक स्मोक शेनरॉन, लेकिन क्यों? और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता कि ये सब चीज़ें यहाँ तक कैसे पहुँची हैं तो वो लोग ऊपर डिस्क्रिप्शन में और नीचे मैंने वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया होगा, वहाँ पर फुल प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ड्रैगन बॉल जीटी में यहाँ तक चीज़ें कैसे पहुँची हैं। तो ब्लैक शेनरॉन आने के बाद ओल्काई और किबीटो बताते हैं कि किस तरीके से ड्रैगन बॉल्स का बार बार यूज़ कर करके उनमें एक नेगेटिव पावर आ चुकी है, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स को इतने लगातार यूज़ के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि अगर हम ड्रैगन रडार के बनने से पहले की बात करें तो उनको सदियाँ भी लग जाती थी, कोई ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर विश नहीं मांग पाता था, लेकिन जब से बुलमा ने ड्रैगन रडार मंगाया है तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कितनी विश मांगी है। तो अब इस नेगेटिव एनर्जी को उन बॉल से निकालने के लिए उन ड्रैगन्स को मारना होगा, जिसके बाद वो बॉल्स फिर से पवित्र हो जाएंगी और फिर से शेनरॉन सेफ हो जाएंगे और ड्रैगन बॉल्स को इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन आगे बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, तो चलिए जानते हैं। तो अब जैसे कि हमें पता है कि 7 ड्रैगन बॉल्स हैं, तो 7 ही नेगेटिव यानी कि बुरे शेनरॉन्स होंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ शैडो ड्रैगन्स होंगी, जिन चीजों को सॉल्व करने के लिए गोकू, पैन और जीरो, जिसके अंदर ड्रैगन रडार है, वो निकल पड़ते हैं, क्योंकि जीरो की हेल्प से गोकू और पैन को पता लगेगा कि कौन सा ड्रैगन कहां पे है और वो उसको हरा पाएंगे और ड्रैगन बॉल्स को बचा पाएंगे। तो सबसे पहले उन्हें मिलता है पॉल्यूशन स्प्यूइंग हेज शेनरॉन, जो कि थोड़ा पॉल्यूशन के अटैक करता है और उसके पास यहाँ तक कि जहरीले अटैक भी होते हैं, लेकिन जैसे कि हमें पता है उस सबसे पहले शैडो ड्रैगन मिला है तो उसको आसानी से हरा ही दिया जाएगा और वैसा ही होता है और वो हार जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से हो जाती है चीज़ें शुरू, क्योंकि अब शेनरॉन पे शेनरॉन मिलने वाले हैं, या मैं बोल सकता हूँ शैडो ड्रैगन्स। तो फिर उन्हें मिलता है दूसरा शैडो ड्रैगन, जो पहले वाले शैडो ड्रैगन के पास ही मिलता है, और वो एक रेज टाइप का, मतलब बहुत गुस्से टाइप का ड्रैगन होता है, जो कि गोकू और पैन पर थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि वो बिजली के अटैक्स कर सकता है, जिससे कि गोकू और पैन थोड़े से ज्यादा डेंजर जोन में आ चुके होते हैं, लेकिन एक बिजली का झटका गिरता है जिससे कि वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, और उसके बाद गोकू एक कामेहामेहा मार के उसको हरा देता है। और फिर उसी के बाद मिलता है उन्हें एक पानी वाला शेनरॉन, मैं बोल सकता हूँ पानी वाला पोकेमॉन नहीं, पानी वाला शेनरॉन या शैडो ड्रैगन। अब ये ड्रैगन भी तीसरे नंबर का है, तो ये भी थोड़ा सा हार्ड होगा, तो ये भी उनको थोड़ी सी दिक्कत देता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, जिसके बाद वो लोग उसको भी हरा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। फिर इसके बाद मिलता है उन्हें 4th शैडो ड्रैगन, जो होता है ब्रूटल नेचुरॉन, जो यहाँ तक कि पैन की बॉडी भी हाईजैक कर लेता है, लेकिन जैसे तैसे गोकू कुछ कमियाँ देख लेता है और अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके गोकू जीत जाता है। तो अब जिस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो अब स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब होगी रियल फाइट स्टार्ट। अब मिलेगा उन्हें 5th नंबर का शैडो ड्रैगन, जिसका नाम है नोवा शेनरॉन, और आप देख सकते हो नोवा शेनरॉन कितना शानदार दिख रहा है, और इसके कलर से अगर आप इसकी पावर का पता लगाना चाहोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी पावर है फायर। तो ये गोकू के साथ बहुत अच्छे से लड़ता है और गोकू को सुपर सैयन 4 में बदलना पड़ता है, तब जाके गोकू से लड़ पाता है, लेकिन इनकी लड़ाई में पहले ही कोई जीतता, एकदम से बीच में गोकू का हाथ जम जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर उसका ब्रदर जो कि 6th नंबर का शैडो ड्रैगन है वो यहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम होता है ईस शेनरॉन। तो जो ये नोवा शेनरॉन होता है ये गोकू की 4 स्टार ड्रैगन बॉल्स जो कि गोकू के ग्रैंडपा ने गोकू को दी थी उससे होता है, तो वो थोड़ी सी गोकू की रिस्पेक्ट करता है और वो अपने भाई को बोलता है कि पहले तू उससे लड़ ले प्रॉपरली 1-on-1, तब जाके मैं उससे लड़ूंगा। फिर उसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन गोकू तो बहुत ज्यादा गुस्से में पागल हो जाता है और वो उससे लड़ रहा होता है, लेकिन वो गोकू पर एक ऐसा अटैक करता है जिससे कि गोकू की आंखों में कुछ गिर जाता है और गोकू को आंखें बंद करके ही लड़ना होता है, क्योंकि गोकू अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा होता, लेकिन गोकू एनी हाउ जैसे ऐसे उसे हरा देता है और पैम एक ड्रैगन फिस्ट अटैक से उसकी छुट्टी कर देता है। फिर उसके बाद आती है नोवा शेनरॉन की बारी।
अब जैसे ही उनकी लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है तो वहां पर जो एक शेनरॉन बचा है जिसका नाम होता है शिन शेनरॉन, वो वहां पर आ जाता है और चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि गोकू अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा है इधर, और उधर दो शैडो ड्रैगन्स हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है नोवा ड्रैगन है वो गोकू से नहीं लड़ता उस तरीके से, तो नोवा शेनरॉन की भी छुट्टी हो जाती है। और ठीक उसी के बाद अब शिन शेनरॉन वर्सेज गोकू SSJ4 और कोई नहीं, तो इन दोनों की लड़ाई चलती है। और किसी भी चीज में अगर हम बात करें तो शायद शेनरॉन बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, गोकू सुपर सेन 4 उसके आगे नहीं टिक पा रहा होता। लेकिन जब गोकू की हालत पिट पिट के बहुत बुरी हो जाती है तभी उसके नाकामाज यानी कि उसके फ्रेंड्स वहां पर आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। और हाँ, अब तक यहाँ पर वेजिटा नहीं आया है, तो अब तक सिर्फ गोकू ही है, और बाकी के जो फैमिली और फ्रेंड्स आए हैं जिसमें कि हमारा गोहान, गोटेन, ट्रंक्स और मजूब हैं, वो लोग उससे लड़ रहे होते हैं। तो वो तीनों सैयन क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने पिछली सागा में गोकू को सुपर सैयन 4 होने के बावजूद अपनी पावर दी थी, इस तरीके से करते हैं जिससे कि गोकू एक फुल पावर सुपर सैयन 4 बन सके। तो ऐसा ही होता है, और ऐसा होने के बाद शिन शेनरॉन की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि गोकू उसको बहुत बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। लेकिन तब वो निकालता है अपना हुक्म का इक्का, और उसके बाद वो सारी ड्रैगन बॉल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनकी पावर अपने अंदर ले आता है। और हम देख सकते हैं किस तरीके से अब उसकी एब्डोमिनल पर सारे की सारी सातों की सातों ड्रैगन बॉल्स आ चुकी हैं, और उसी चीज के साथ आ चुकी है उन्हीं सभी शैडो ड्रैगन्स की शक्ति। और उसके बाद तो ये हो जाता है बहुत ज्यादा ताकतवर, क्योंकि अब उसके पास है सातों के सातों शैडो ड्रैगन्स की शक्ति, और यहां से हो जाती है बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट। अब वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन गोकू जहां तक है उसको छू भी नहीं पाता ढंग से, क्योंकि अब वो बन चुका है ओमेगा शेनरॉन, जो कि पहले था शिन शेनरॉन। और वो इस तरीके से गोकू SSJ4 से लड़ रहा होता है कि वो उसके आगे नहीं टिक पाता। कि वहीं दूसरी तरफ जब सभी कमजोर पड़ जाते हैं तो फाइनली वेजिटा द प्रिंस ऑफ ऑल सैयंस वहां पे आ जाता है, हमेशा लेट एंट्री। और फिर बुलमा के द्वारा बनाई गई बर्ड्स वेव की हेल्प से वो अपनी पूंछ दोबारा उगाता है और बन जाता है एक सुपर सैयन 4 में। अब यहाँ पे है, एक तरफ है दो सुपर सैयन और एक तरफ है ओमेगा शेनरॉन। तो अब सबको लगेगा कि फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी, लेकिन फाइट कुछ भी अमेजिंग नहीं होती, क्योंकि वो दोनों सुपर सैयन 4 होने के बावजूद भी उस ओमेगा शेनरॉन के आगे नहीं टिक रहे होते। तो जब दोनों की हालत थोड़ी सी बुरी होने लग जाती है तो वेजिटा सजेस्ट करता है फ्यूजन करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, वेजिटा जो की मूवी अभी ब्रॉली में मना कर रहा था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन अब वो कहता है कि मैं करूंगा, क्योंकि अब बात बनाई है जान पर। तो वो दोनों फ्यूजन करते हैं, और तब तक हमारे गोटेन, गोहान और ट्रंक्स और बाकी हमारा मजूब उस ओमेगा शेनरॉन को उलझाए रखते हैं जिससे कि वो लोग फ्यूजन कर सकें। तो जल्दी जल्दी वो अपना फ्यूजन डांस स्टार्ट करते हैं, हमें पता है कि एक दो बारी में नहीं हो पाता लेकिन फाइनली हो जाता है। और उसके बाद जो चमकीला स्पार्कलिंग फाइटर निकल के आता है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जो होता है हमारा गोजेटा सुपर सैयन 4। एक तो थोड़ी मैं इसके लुक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसकी बॉडी पर फर और इन फर का कलर बहुत ज्यादा अच्छा है, और उसी तरीके से अगर हम इसके ड्रेस की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये थोड़ी अलादीन टाइप में बोल सकता हूँ है, लेकिन बहुत ज्यादा कूल और अमेजिंग है, जो कि सभी ड्रैगन बॉल फैंस को अच्छी लग रही होगी। और फिर अब जितना ये कूल दिख रहा है उतना ही ये फनी भी है, क्योंकि गोजेटा बनने के बाद वो ओमेगा शेनरॉन के साथ खेलने लग जाता है, क्योंकि पावर अब कंबाइन हो चुकी है। अब इस पावर का कोई तोड़ नहीं है, ये दो सुपर सैयंस हैं जो सबसे ज्यादा तकड़े हैं, और इन्होंने फ्यूजन किया है, और वो भी डांस फ्यूजन, जो कि जल्दी से नहीं सीखा जा सकता। तो अब ये तरह तरह के अटैक उस पर करते हैं, ओमेगा शेनरॉन पर, इवन उस पर फनी अटैक्स भी करते हैं जिससे ओमेगा शेनरॉन की हवा टाइट हो जाती है, और यहाँ तक कि गोजेटा उसकी बाकी की 6 की 6 ड्रैगन बॉल्स उससे उगलवा देता है, जिससे कि वो वापस बन जाता है शिन शेनरॉन में, और वो हो जाता है अब बहुत 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 ज्यादा कमजोर। और इससे पहले कि कुछ हो तो गोजेटा सोचता है कि चलो मैं इसको हरा देता हूँ, अटैक करके बहुत मौज मस्ती हो गई। और जैसे ही वो अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है वैसे ही उनका फ्यूजन डिफ्यूज हो जाता है, जो कि बहुत 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 ज्यादा निराशा वाली बात होती है। अब जैसे ही ये होता है तो जो हमारा शिन शेनरॉन होता है वो क्या करता है, वो फिर से ओमेगा शेनरॉन में बदल जाता है उन ड्रैगन बॉल्स को एब्जॉर्ब करके, और वो फिर से बन जाता है बहुत तगड़ा ड्रैगन, जो कि अब उन दोनों लाचार सुपर सैयन 4 के आगे भारी पड़ रहा होता है, और वो दोनों उसके आगे कमजोर पड़ने लगते हैं। अब यहाँ से इन दोनों की पिटाई स्टार्ट हो जाती है, कोको और वेजिटा की यहाँ से पिटाई स्टार्ट होने के बाद वो पिटते रहते हैं। तो उधर एक तरफ जब कोको लड़ रहा होता है तो वो अपनी जब तक बेस फॉर्म यानी कि बच्चे वाली फॉर्म में नहीं आ जाता। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि वो बच्चे वाली फॉर्म में कैसे आ गया, क्योंकि आपने अब तक ड्रैगन बॉल GT का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है,
इसलिए आपको नहीं पता कि वो बच्चे वाली फॉर्म में कैसे आ गया। लेकिन जिन लोगों को पता है तो कंटिन्यू करते हैं, तो वो यहाँ से बच्चे में बदल जाता है और फिर उसके बाद वेजिटा उससे लड़ने लगता है और वो लड़ता रहता है, बाकी सभी भी उससे लड़ते रहते हैं। लेकिन उधर गोकू के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो अपना स्पिरिट बॉम्ब अटैक बनाने लगता है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता क्योंकि अर्थ पर लोग ही नहीं बचे हैं ढंग से, तो वो अच्छे से कहाँ से बनेगा। तो फिर वो किंग काई की हेल्प से, जो चारों के चारों भाग की काई होते हैं, वो सब उसको एनर्जी देते हैं, तो वो एक यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब अटैक बन जाता है, जो कि होता है बहुत 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 ज़्यादा ताकतवर और उसी के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल भी, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा पड़ा है और नेगेटिव एनर्जी अब उसके आगे नहीं टिकने वाली। और जैसे ही वो लड़ाई नीचे चल रही होती है तो गोकू उस अटैक को अनलीश कर देता है, क्योंकि अब वेजिटा और बाकी सभी लोगों की अब बैंड बज चुकी है। तो जैसे ही वो अटैक उस पर पड़ता है तो बैम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फाइनली चीज़ें वापस हो जाती हैं और वहाँ पर फिर से बैक आ जाते हैं शेनरॉन। अब ये जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल जीटी देखा होगा या फिर जो देखने वाले होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, वो लोग यहाँ पर थोड़े भावुक हो जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद शेनरॉन आ जाते हैं और शेनरॉन थोड़े कमज़ोर भी हो। वो सभी लोग उनसे विश मांगते हैं कि उन लोगों को जिंदा कर दिया जाए जो लोग बिना फालतू में इस लड़ाई में मरे हैं। तो चीज़ों को नॉर्मल तो कर दिया जाता है, लेकिन शेनरॉन बदले में बोलते हैं कि मुझे गोकू दे दो, जिससे कि मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी गोकू की पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ करके हटा सकूं। तो गोकू वन बाय वन सबसे मिलता है और बहुत ही इमोशनल सीन होता है ये, क्योंकि वो सबसे मिलता है और सब अपने पहले पहले टाइम को याद करते हैं कि बुलमा उससे सबसे पहले कैसे मिली थी। और अगर आपको जानना है कि बुलमा और वो कैसे मिले थे, तो मैंने ड्रैगन बॉल की स्टोरी भी अपलोड की हुई है, उसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, बाकी भी अब आने वाले हैं। तो बुलमा को क्रिलिन को, मास्टर रोशी भी उसके बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे और लास्ट में वो हेल में पिकोलो से भी मिलता है और फिर उसके बाद फाइनली कोकू चला जाता है, जिसमें वो शेनरॉन के सर की तरफ लेटा होता है और बाकी की बाकी जो सारी ड्रैगन बॉल्स होती हैं वो गोकू की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और फिर बैम, ड्रैगन बॉल जीटी में कोकू का एंड। लेकिन अब ड्रैगन बॉल सुपर चल रहा है तो ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस सीन को देखोगे तो, अगर सच्चे ड्रैगन बॉल फैन आप होंगे तो रियली में आप थोड़े से भावुक हो जाओगे। लेकिन फिर उसके बाद इसमें एक रोमांचक चीज़ भी होती है, क्योंकि अब 100 साल बाद सभी मर चुके हैं वेजिटा, और वैसे साइंस की जितनी कम नहीं होती, लेकिन पता नहीं वो फिर भी नेचुरल कॉज की वजह से मर चुके हैं, और अब हैं कोकू जूनियर और वेजिटा जूनियर, जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ते हैं। और पैन बहुत बुढ़ी हो चुकी है, देख सकते हो उसकी फोटो। और फिर ये जैसे ही टूर्नामेंट में जा रही होती है तो उसको उसके ग्रैंडपा यानी कि हमारा हीरो गोकू दिख जाता है। तो ये थी ड्रैगन बॉल जीटी की पूरी स्टोरी, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अभी तक आपने नहीं देखी तो ऊपर कार्ड और नीचे लिंक प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कोकू और बुलमा सबसे पहले कैसे मिले थे, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा और बाकी फैन मेड मांगास का लिंक भी। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा और लास्ट में बहुत से लोग इमोशनल हुए या नहीं। और उसी के साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और अगर चैनल पर न्यू है तो वही गॉडजेटा सुपर सेवन 4 का बिग बैंग कामेहामेहा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि अब बाकी ऑसम वीडियोस का वेट आपको फिर नहीं करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन आप पे आ जाएगा। तो तब तक के लिए कामेहामेहा।